खाने के टाइम ये अगर अचार ना मिले तो वो खाना अधूरा लगता है, भले ही कितना भी टेस्टी क्यों ना हो। तो चलिए इस अधूरेपन को हम पूरा करते हैं। और हेलो फ्रेंड, मैं सरिता अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा किचन बाय सरिता में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचार की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होने वाली है। और ठंड के मौसम में मिलने वाली सब्जियाँ, उनसे हम अचार बनाने वाले हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताते रहे ताकि मैं यूं ही अच्छे अच्छे रेसिपी लेकर आती रहूं। पंचमेल अचार में हम देखिए इन सब्जियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गाजर, मूली, मटर है, फूल गोभी और ये मिर्च हरी वाली, साथ में थोड़ा सा अदरक है। आप कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो इसमें घटा बढ़ा सकते हो, या फिर अपने पसंद से कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। इसे मैंने अच्छे से धो के काट लिया है, थोड़ा सा इसका मॉइस्चर था वो पंखे पे सुखा लीजिए या फिर हल्का सा आधा एक घंटा धूप लगा लीजिए। इस बर्तन में सारी सब्जियों को इकट्ठा करके एक चम्मच हल्दी डाल देंगे इसमें, इसके बाद दो चम्मच नमक, और साथ ही ये नींबू जो है इसका रस हम इसमें क्विज कर देंगे। तरह की छन्नी का इस्तेमाल आप कीजिएगा ताकि बीजे बाहर रह जाए। इसे सारे रेशे और बीजे रह जाते हैं, वो अंदर नहीं जाएगा। ये डालने के बाद इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से मिला के और इसे ढक के 3 से 4 घंटा हम छोड़ देंगे ताकि जितना भी इसमें मॉइस्चर होगा वो सारा निकल जाएगा नमक के थ्रू, और उसके बाद काफी सॉफ्ट हो जाएगा हमारा सब्जी। इस तरह से करके ढक के 3 से 4 घंटा इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम। फूट दिया था नींबू डाल के, इसके बाद ये कितना पानी रिलीज कर चुका है देखिए, बहुत सारा पानी है, इसका सारा मॉइस्चर निकल चुका है और ये सॉफ्ट भी बहुत हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही ज्यादा ये सॉफ्ट हो गया है एकदम से। अब इसे हम एक बड़े से थाली में या परात में निकाल लेंगे इस तरह से, और सारा इसमें से छान लेंगे हम और धूप में अच्छे से सुखा देंगे। ये देखिए कितना सारा इसमें पानी निकला है, इस पानी को हम फेंक देंगे, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से हम धूप में सुखा लेते हैं, इसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड, 3-4 घंटा मैंने धूप में इसे रख दिया था, जिसकी वजह से ये एकदम से अच्छे से सूख गया है, इसका मॉइस्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है देखिए, और सॉफ्ट तो ये एकदम अच्छे से हो गया है। मैं इस तरह से दबा के भी आपको दिखा दे रही हूँ। गाजर भी देखिए बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गया है, जैसा कि हमें अचार में चाहिए। अब इसके बाद हम मसाला ऐड करेंगे इसमें। मसाले में देखिए 1 चम्मच जीरा है, 1 चम्मच कलौंजी, ये मेथी 1 चम्मच है, 1 चम्मच सौंफ है, और साथ में ये 1 चम्मच पंचफोरन है। ये इसमें बहुत से मसाले मिक्स रहते हैं, इसीलिए ये वाला मैंने लिया है। इसे हम ऐसे ही खड़ा डालेंगे भून के बस। और इसके साथ ही देखिए पीली सरसों मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच, और 2 चम्मच साबुत धनिया है। तो इन सबको हम थोड़ा सा हल्का रोस्ट कर लेते हैं, इसके बाद इसका ड्राई पाउडर बनाएंगे। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसमें हम साबुत धनिया और पीली सरसों ये दोनों डालकर अच्छे से पहले भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा चटकने लगे जब हमारा सरसों और धनिया, तो इसके बाद इसमें हम जीरा डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे क्योंकि कढ़ाई हमारी खूब गर्म हो गई है। साथ ही हम मेथी और कलौंजी डाल के भून लेंगे, इस तरह से भून लेंगे हम इसे। और अजवाइन डालने के बाद हम ज्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि वो ज्यादा भूनने के बाद थोड़ा कड़वापन आ जाता है उसमें, इसीलिए हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। इसे अब निकाल लेते हैं एक बर्तन में। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसमें सौंफ ऐड कर देंगे, इस तरह से मिला लेंगे। और ठंडा होने के बाद दरदरा सा इसका हम पाउडर बनाएंगे, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा सा बनाना है। ये देखिए ठीक इस तरह से
एकदम दरदरा सा है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इसीलिए इस तरह से आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अचार में। अब इसके बाद इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, क्योंकि हल्दी और नमक हमने पहले दिया था, लेकिन इसके बाद इसका पानी जो निकला उसमें काफी नमक कम हो चुका था, तो इसीलिए हल्दी डालेंगे, नमक, इसके साथ ही एक बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे खट्टापन के लिए, काफी खट्टा हो जाएगा आमचूर पाउडर डालने से इसलिए, और साथ ही मिर्च पाउडर हम डालेंगे। आधा चम्मच करीब, और इसके साथ ही जो हमने ये ड्राई मसाला बनाया है ये सारा इसमें हम ऐड कर देंगे। पहले चेक कर लेते हैं इसमें कितने मसालों की जरूरत है उस हिसाब से इस तरह से मिला लेंगे हम इसे, और इसके बाद ये मसाला हम में डाल देंगे। साथ ही जो हमने ये एक बड़े चम्मच पंचफोरन का मसाला गरम करके रखा था इसे भी डाल देंगे ऊपर से, ये सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। सरसों का तेल देखिए मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया था ताकि ये गरम हो जाए, थोड़ा गुनगुना तेल का हम इस्तेमाल करेंगे अचार में, इसे इसमें हम डाल देंगे। डाल के इसे अच्छे से हम मिला लेंगे पहले, इसके बाद इसे एक से दो दिन हम इस तरह से थाली में ही रख के धूप लगा लेंगे पहले, इसके बाद आप डिब्बे में रख लीजिएगा, लेकिन पहले अच्छे से धूप लगा लेंगे एक से दो दिन, उसके बाद। ये देखिए फ्रेंड, दो दिन धूप लगाने के बाद ये कितना अच्छा अचार हमारा एकदम अच्छे से मसाला भी मिल गया है और एकदम अच्छे से बन चुका है। अब इसमें दो बड़े चम्मच हम विनेगर ऐड करेंगे, इससे हमारे अचार का कलर भी खराब नहीं होगा और साथ ही ये ज्यादा टाइम तक टिकेगा अचार। साथ ही इसमें हमने हींग नहीं ऐड किया था, तो अभी बॉटल में भरने से पहले इतना सारा हींग ऐड कर देंगे, इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे, और इसके बाद एक शीशी की बोतल में किसी भी तरह की कंटेनर में हम अच्छे से साफ करके अचार को हम ट्रांसफर कर देंगे, इस तरह की कंटेनर में डाल देते हैं। शीशे का ही कंटेनर का इस्तेमाल आप कीजिएगा, अचार इसमें काफी सेफ रहता है। बिहार में तरह तरह के बनने वाले अचार की रेसिपियों लेके मैं यूं ही आती रहूंगी, तो प्लीज फ्रेंड आप मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।